नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया बोलेगा स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा राष्ट्रीय आईटी सेल के सदस्य के साथ, जिनका नाम रोहित उपाध्याय है। आज हम रोहित उपाध्याय जी के साथ समझेंगे कि नया श्रम कानून में क्या खास है, श्रमिकों के लिए क्या खास लाया गया है और इससे कैसे लोग लाभान्वित होंगे, हम इस पर रोहित जी से चर्चा करेंगे। दीपक जी, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आप सभी को पता है कि आज़ादी के बाद से जो श्रम कानून था उसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ था। मौजूदा सरकार इस कानून को लेके काफ़ी जागरूक थी और काफ़ी समय से लोगों की मांग चल रही थी कि इस कानून के अंदर कुछ बदलाव किए जाए ताकि हर तबके को उसका लाभ मिल पाए। कभी ये सरकार ऐसा नहीं करती कि एक तबके को दबाने के दूसरे तबके को आप ऊंचा रख दो। इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके मैं चर्चा करना चाहता हूं। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप श्रम कानून की वेबसाइट ऊपर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे जो इम्प्लॉयर होता था कभी कभी क्या होता था, अपनी मनमर्जी से काम करते थे। आपने अप्लीकेशन दिया, आप उनके वर्किंग है, बट उसके लिए कोई आपको ऑफर लेटर नहीं मिलता था। आप रिलीविंग आपकी वहाँ से हुई कंपनी से, आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता था। अभी क्या मौजूदा सरकार ने इस कानून के अंदर ये किया है कि अगर आपने किसी को हायर किया है तो उसको आपको ऑफर लेटर देना मैंडेटरी है, नंबर वन। नंबर टू, चाहे वो आपके पास 5 इम्प्लॉई हो, चाहे वो 10 इम्प्लॉई हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आपके पास अगर 5 इम्प्लॉई है तब भी आपको ऑफर लेटर देना ही पड़ेगा। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करिए, आपने काम किया 2-3 साल काम किया, पूरा टाइम दिया उस कंपनी को, देने के बाद आप जब वहां पे छोड़ के जाते हैं जॉब, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपने किसी और कंपनी में ट्राई किया और आपके पास जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लोगों को लगता है कि एक वर्बली से कोई किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते आप, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ, आपको रिव्यू लेटर के साथ साथ, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटी है उस ज्वाइनिंग से लेके उस लिविंग टाइम से लेकर सब आपको देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, हम बात कर रहे हैं कि जो डेली वर्कर हैं, डेली वेजेस वर्कर जो हैं, मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ, छोटा सा फील्ड है जैसे ईंट भट्टे पे कोई काम कर रहे हैं, तो पहले उनका कोई रजिस्ट्रेशन या कोई उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आप गए, आप मजदूरों को ले आए, अपना आपने काम करा लिया। अभी इस टाइम पर क्या है कि उनका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, जो हम नई जागरूकता की बात कर रहे हैं उसके अंदर, जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं उनके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, उनके लिए ईएसआई की बात भी चल रही है कि ताकि उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिले। जो वर्कर ऑलरेडी डेली वेजेस पे हैं, जो उनको बच्चों के एजुकेशन की बात भी हो रही है ताकि उनके बच्चा, आज के टाइम बहुत बड़ा इशू आता था, अलग अलग तबके से, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग तबके से इंफॉर्मेशन आती थी कि लोग काफ़ी मांग करते थे कि हम जाके जॉब तो कर रहे हैं, डेली वेजेस वर्कर जो है अपना काम तो कर रहे हैं, बट उनके बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा। तो उसके प्रति सरकार बहुत गंभीर थी इस बार, उन्होंने इसके अंदर काफ़ी इनकॉर्पोरेट किए चीज़ों को। और इस कानून के अंदर एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाई गई हैं कि आप अगर, जो कोरोना काल के अंदर में काफ़ी ऐसे लोग थे कि जो अपने अलग अलग एरिया से छोड़ के अपने अपने घरों को वापस आ गए, अब उनके लिए जॉब की बात भी हो रही है कि उनको जॉब कैसे मुहैया कराया जाए उनके लोकल स्तर पर, तो उसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो जिले का एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम सबको मिलकर एक साथ काम करना है। और उसके अंदर मैं एक छोटा सा प्रक्रिया आपको बता दूं कि जो भी आज के टाइम में अगर वो प्रवासी मजदूर है, अगर वो अपने उस जिले के अपने एम्प्लॉयमेंट की जो भी वेबसाइट है वहाँ पर जाए, या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जाके अपना जो भी उनके एक्सपर्टीज है उसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन करें, और लोकल एडमिशन की जिम्मेदारी बनती है, उसके हिसाब से उनको जॉब मुहैया कराया जाएगा। तो हर तरीके के श्रमिक कानून की अगर आप बात करते हैं, तो नौकरी करने वाला भी कहीं ना कहीं श्रम कानून के अंतर्गत आता है, तो उनको रोजगार सभी को मिला नहीं, बस मनरेगा में ही कुछ हद तक जिला प्रशासन सफल हुआ है रोजगार देने में। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई कि सबको जो है रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता?
दीपक जी, जो आप इस जनपद की बात कर रहे हैं जौनपुर की, एग्जैक्ट आंकड़ा जैसे आप बता रहे हैं, फिलहाल मुझे मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, बट मैं अगर अलग अलग प्रदेश स्तर की बात करूं तो स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करूं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी इस पर काम किया है और बहुत ही सख्त आदेश उन्होंने दिया है इस बाबत कि जो भी प्रवासी मजदूर अपने जनपद को वापस जा रहा है उनका बाकायदा पंजीकरण हो, उनके जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से पंजीकरण हो, ताकि उनके स्किल्स के हिसाब से उनको जॉब मुहैया कराई जाए और हमारी अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग अलग जो आपके जिले स्तर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जहाँ तक मुझे इनपुट है काफ़ी लोगों को उन्होंने जॉब मुहैया भी कराया है। और अगर किसी को लगता है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास स्किल्स हैं, तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जाके तत्काल मिले, अपने डिटेल्स को ऑनलाइन करें और इसमें हमारा जो लोकल प्रशासन उनकी भरपूर मदद करेगा। इसके निसंदेह आज के समय में कोई किसी को हिडन नहीं रख सकता इन्फॉर्मेशन को। अगर आपको लोकल स्तर में मदद नहीं मिल रही है तो अलग अलग आपके प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ डिटेल अपना डालिए, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के ये तो आपका जवाब है कि लोकल स्तर पे पढ़े लिखे जो हैं या कहिए जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं, मनरेगा मजदूरी को छोड़ दिया जाए तो प्रशासन सिर्फ मनरेगा मजदूरी में ही लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे। ये तो मान लीजिए स्थानीय स्तर पे सवाल है, जमीनी हकीकत से जुड़े सवाल है, सच्चाई से हम आपको अवगत करा रहे हैं। एक मामला ये भी है कि इसका जो नया श्रम कानून है इसका विरोध मजदूर संगठन भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ आप कर रहे हैं ये श्रम श्रमिकों की बढ़िया कानून है, लाभान्वित करेगा उनको ज्यादा ज्यादा श्रमिकों को, तो ये विरोध किस पर उठ कहां रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं? दीपक जी, एक बात आप अच्छे समझते हैं कि जब कोई कानून या कोई नई हम बात करते हैं तो हमारा हिंदुस्तान है, डाइवर्सिफाइड नेशन है, हर तबके के लोग हैं, हर सोच के लोग हैं, तो विरोध भी होगा। आप विरोध के साथ साथ आप देखिए एक छोटा सा तबका जो विरोध कर रहा है, मगर इसके लिए आप जो एक नेशनल स्तर पे आप देखें इसके अंदर क्या लाभ है, पहले एक बार आप, मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इन सारे पॉइंट्स को पहले आप देखें कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या फ़ायदेमंद नहीं है। दूसरा, हम दोनों तबके की बात कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयर हो तो उसके लिए भी ये इस कानून के अंदर में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, सहूलियत दी गई हैं। और रही बात जो विरोध की, तो कुछ तबका ऐसा है जो विरोध कर रहा है, उनकी बातों को भी हम लोगों ने लिया है। हमारे केंद्रीय माननीय संतोष गंगवार जी हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी इस पॉइंट को कंसीडर किया है और सबको हम ऐसा कभी नहीं करेंगे या हमारी जो मौजूदा सरकार है कभी ऐसा नहीं करेगी कि इनके पॉइंट्स को हम ध्यान नहीं देंगे या हम खाली एक हित की बात करें दूसरे हित की बात नहीं करें, सुना जाएगा, सब सबको सुना जाएगा। एक सवाल ये भी कि अभी श्रम मंत्री के केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार के साथ आईटी सेल के सदस्यों की एक मीटिंग हुई थी, तो क्या भूमिका तय हुई आईटी सेल के मेंबर की जिसमें आप भी रहे? देखिए, मैंने वही आपसे बात पहले ही कही दीपक जी, हमारी सरकार या स्पेशली मैं बात करूँ हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारे आईटी सेल के जो सदस्य थे उन सबको स्पेशली बुलाया, इस कानून के बारे में उनको इतना एक्साइटमेंट था, उन्होंने हम सबको अवगत कराया इसके बारे में, अलग अलग कॉपीज प्रोवाइड की इस अंदर क्या कानून है, क्या पॉइंट्स हैं, एम्प्लॉयर के लिए क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉयियों के लिए क्या बेनिफिट है, दिहाड़ी मजदूरों के लिए क्या बेनिफिट है, ताकि हर तबकों को ध्यान रख के बनाया गया है। मगर कानून को बनाना एक बात है, इस कानून के बारे में जो भी अच्छाइयाँ हैं वो नीचे तक पहुँचनी चाहिए। तो आज के टाइम सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता सोशल मीडिया, आईटी सेल ऐसा है कि हमारी पूरा प्रयास रहेगा, हमारी पूरी कोशिश है कि इस पूरे इन्फॉर्मेशन को, इन सारे अच्छे पॉइंट्स को, मजदूरों को हक को लेके हम लोगों को एक जन जागरूकता अभियान चलाएं और ताकि उनको अपने अधिकारों के बारे में पता हो, कि जब तक उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा तो इस कानून का कोई फायदा नहीं उठा सकता है। इसीलिए माननीय मंत्री जी ने सारे बिंदुओं को रखते हुए हमें ये सारा कुछ अवगत कराया कि आप इन सारे श्रम कानून के अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाइए ताकि इसका लोगों को फायदा मिल सके। अमली जामा इसको पहना के कब तक ये जनता के बीच या श्रम श्रमिकों के लिए जो लाभ की बात है ये कब तक मिलना शुरू हो जाए, क्या लगा? ये लगभग लगभग ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है और
जल्द ही आप देखेंगे जिसका असली जामा सारे सबके सामने होगा और लोगों का इसका बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ भाजपा आईटी सेल के सदस्य जो राष्ट्रीय आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, रोहित उपाध्याय जी। हमने इनसे समझा नए श्रम कानून के संबंध में कि क्या नया श्रम कानून है, इससे श्रमिक कैसे लाभान्वित होंगे, तो इन्होंने अच्छाइयाँ बताई। हाँ, फिलहाल की हम लोगों ने इनसे कुछ पूछा और इनको हकीकत से भी अवगत कराया। निश्चित तौर पर ये हमारे दर्शकों और श्रमिकों के लिए लाभान्वित जानकारी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ YouTube पे जाके इंडिया बोलेगा सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर।